वेलकम टू द हेल्थ ऑफ मेवात। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ ऑफ मेवात में। आज का मेरा टॉपिक है जिम वेट की रिस्पेक्ट ना करना। तो मैं आजकल देख रहा हूँ जिम में मैं जाता हूँ तो कई बार बहुत से लड़के बहुत से बच्चे जिम में एक्सरसाइज करते हैं और वेट उठाते हैं और एक्सरसाइज की और डंबल को वहीं पटक दिया, या फिर वेट को जब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसको लात मार करके वो उस जगह पर यूज़ करते हैं, और या किसी जगह सपोर्ट लगानी हो तो वेट को पैर से सपोर्ट लगा कर करते हैं। तो मेरी राय इसमें यही होगी कि जिम के वेट को रिस्पेक्ट दो। देखिए, पहलवानी हमारे देश में शुरू हुई और काफ़ी टाइम पहले से शुरू हुई, जिसमें पुराने ज़माने के पहलवान से लेकर के अब तक के पहलवान जैसे कि धारा सिंह या गामा पहलवान या आपका आज के वक्ता सुशील कुमार, तो ये सब अपने बेहतर मुकाम तक जब ही पहुँचे हैं जब इन्होंने अपने गुरु को और अपने अखाड़े को रिस्पेक्ट दी। कोई फ़र्क नहीं है कि जिम हो चाहे अखाड़ा हो, तो रिस्पेक्ट दोनों जगह सेम है, क्योंकि आप उसमें एंट्री कर रहे हो तो आप किसी ना किसी मकसद से एंट्री कर रहे हो, जिससे आपको अपने आने वाले वक्त में आपको कुछ एक मुकाम को हासिल करना है, उसके लिए आप उस जिम में एंट्री कर रहे हो। तो मेरी राय यही होगी कि आप जिम के वेट को रिस्पेक्ट दो। और मेरा दूसरा जो टिप्स है पसीने के ऊपर, कि जिम में जब एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना हद से ज़्यादा निकलता है। तो कुछ लड़के क्या करते हैं तो पसीने को दिखाते हैं कि हाँ भाई मेरे को पसीना निकल रहा है, तो इसका मतलब बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये वो दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी नज़र में पसीना पूछना चाहिए, इससे आपके फेस जो चेहरा है वो साफ़ होगा और फुंसियों की परसेंटेज भी आपकी कम होगी, क्योंकि पसीना रुकने से फुंसियों की परसेंटेज जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो साफ़ नहीं होता तो वो वहीं पर जम जाता है, जमने के बाद क्या होता है कि आपका फेस के आसपास फुंसियाँ होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें एक ये कारण भी है कि आप जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान पसीना ज़रूर पूछें अपने गर्दन से लेकर के फेस से, तो आपकी स्किन साफ़ होगी, आपकी स्किन में ग्लोनेस आएगी, वाइट होगी, और प्लस में आपको फुंसियों की शिकायत भी बहुत कम हो जाएगी। तो पसीना पूछें जिम के एक्सरसाइज के दौरान। और जिम में एक्सरसाइज करने के बाद आप जब भी घर जाओ तो वो बेहतर है कि जल्द से जल्द वो ड्रेस वो कपड़े आप चेंज कर दो और नहा लो। तीसरा टिप्स है बैठकर पानी पीना। वर्कआउट के दौरान आपको बीच बीच में प्यास ज़रूर लगती होगी, तो आप बैठकर पानी पिए, और बैठकर पानी पीने से क्या फ़ायदा होता है ये आपको इंटरनेट पर काफ़ी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।